इन दिस व्लॉग वी आर डूइंग दैट DIY. वी विल चेंज दिस कार का फ्यूल पंप, खुद टाकी उतारेंगे, सब कुछ करेंगे. आइडिया नहीं है कैसे करना है बट करेंगे. तो तुम पूरा व्लॉग देखो, तुम भी सीखो, हम भी सीखेंगे. एंड इस वीडियो को अभी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना. अब फुल एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, ये देखो मिस हो गई, तो ये इशू भी है. ये हो गया न्यू फ्यूल फिल्टर, ये है हमारा न्यू फ्यूल पंप, ये देखो. लाइक लिटरली कांट बिलीव कि जो चीज़ हमने आज तक कभी किया नहीं था लाइफ में, विच वॉज अ फ्यूल पम्प चेंज, वो हमने फर्स्ट टाइम किया. एंड फर्स्ट टाइम में हम लोग का सक्सेसफुल हो गया. कोई भी काम दिल से करो और अच्छे मन से करो, हाँ बस सक्सेस होना ही होना है. अच्छा है, थैंक यू. हे गाइस, वेलकम टू लॉस पोलोस व्हील्स. मेरा नाम ध्रुव छाबरिया है, दिस इज माय डैड एंड आई एम 17. न्यू व्लॉग में ये काम है कि दिस इज माय 2001 होंडा सिटी टाइप 2 VTEC. ठीक है, तो ये मेरी दूसरी VTEC है. मेरी पहली VTEC को देखो, उधर खड़ी है ड्रैगन जिसको हम बोलते हैं. सो इधर इशू क्या है, हम क्यों बना रहे हैं व्लॉग और हम क्यों इसका फ्यूल पंप चेंज कर रहे हैं, मैं तुमको एक छोटी बात बताता हूँ. तुमने देखा होगा कि मैंने 3-4 महीने पहले एक व्लॉग डाला था इस कार पे, स्टार्टिंग माय कार आफ्टर मंथ्स. ठीक है, तो वो मैं क्यों स्टार्ट किया था आफ्टर मंथ्स, बिकॉज मैं उसको बना रहा था पूरी, मेरी दूसरी होंडा सिटी को. एंड बनाते बनाते क्या हुआ, दिस कार गॉट निगलेक्टेड. ठीक है, मैं इसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव द कार. गाड़ी खड़ी थी बस पार्किंग में 3-4 महीना. तो 3-4 महीना खड़े होने के बाद जब मैंने फाइनली व्लॉग बनाया, जब मैंने बाहर निकाला, तब इश्यूज़ क्या क्या मैंने फेस किए, मैं तुमको बताता हूँ. सबसे पहले तो गाड़ी जब मैंने जिधर बंद की, उसके बाद वो गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हुई, उसका बैटरी उड़ गया. तो हमने सबसे पहले जाके एक ब्रांड न्यू बैटरी इस कार में लगा दिया. बैटरी डालने के बाद इशू क्या फेस किया हमने, कि फिर से मेरी गाड़ी किधर रुकी तो उसका स्टार्टर नहीं घूम रहा था, तो उसका स्टार्टर चिपक गया था. स्टार्टर को चाहिए था सर्विस. जूनी गाड़ी ऑब्वियसली 24 ईयर ओल्ड है, तो हमने जाके मैकेनिक के पास गए, उसका स्टार्टर पूरा सर्विस करा, सारे कार्बन ब्रश नए डाल दिए. मोटा मोटा 1500 रुपये का खर्चा आ गया पूरा स्टार्टर उसका, हमने ब्रांड न्यू किया. मैं वीडियो भी लगा देता हूँ अभी इधर, करो. ठीक है, स्टार्टर बनाने के बाद क्या हो गया, हम लोग गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी मिसिंग कर रही थी. मतलब जो पूरी 7500 RPM जाना चाहिए नहीं जा रहा था, मिसिंग कर रहा था. 4000 RPM के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वो पंच नहीं था. मेरे को लगा पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, हमने जाके पेट्रोल भरा दिया. उसके बाद भी गाड़ी तैयार ही नहीं थी भागने को, मिसिंग कर रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था. तो मैंने फिर उसको कंपेयर किया, पहले भी ये इश्यू आया था हम लोग को हमारी ड्रैगन में, कि जब उसका फ्यूल पंप फेल हो रहा था ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की, भागती नहीं थी, ऑब्वियसली फ्यूल ही नहीं मिल रहा है उसको, बराबर मिस हो रहा है. तो हम मैंने जाके फ्यूल पंप खरीद लिया. तो इस वाले व्लॉग में हम लोग ये इशू सॉल्व करेंगे. मैंने स्टार्टर सॉल्व किया, बैटरी सॉल्व किया, तो अभी हम फ्यूल पंप चेंज करेंगे. तो यूजुअली हमने पहले भी फ्यूल पंप चेंज किया है और जाके मैंने मैकेनिक से करवाया. इन दिस व्लॉग वी आर डूइंग दैट DIY, हम लोग इसको खुद करेंगे, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया है. सो मी एंड माई डैड वी विल चेंज दिस कार का फ्यूल पंप, खुद टाकी उतारेंगे, सब कुछ करेंगे. आइडिया नहीं है कैसे करना है बट करेंगे. तो तुम पूरा व्लॉग देखो, तुम भी सीखो, हम भी सीखेंगे. एंड इस वीडियो को अभी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना. हमने फर्स्ट गियर डालते फॉर एग्जांपल, ठीक है, और फुल RPM खींचूंगा. ठीक है, मैं देखो भागेगी नहीं, ये देखो भागी नहीं रही है. अब फुल एक्सीलरेटर दे रहा हूँ, ये देखो मिस हो गई. तो ये इशू भी है फ्यूल पंप का लग रहा है मेरे को, तो देखते क्या है. और ये कार लिटरली हमने पूरी सर्विस्ड है कार को, मतलब इसका फुल सिंथेटिक ऑयल चेंज, सारे फिल्टर्स नए, कूलेंट नया, मतलब तुम बोलो तो मैंने वो सब करा दिया, सब कुछ. मतलब मेरी सारी गाड़ियाँ मैकेनिकली 100% एकदम परफेक्ट है. बस अभी नया नया कुछ इश्यूज आता रहता है, हम लोग कुछ गारंटी नहीं बोल सकते कि अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता. तो बस डरना नहीं है, इश्यू आया सॉल्व कर दो, ठीक कर दो, बराबर वो पूरा बनाएंगे एंड वापस से गाड़ी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी. हम रास्ते पे फिर से भगाएंगे और फिर से हमारी गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी. हम लोग ने कुछ चीज़ें प्रेप की है, मैं बताता हूँ. सबसे पहले इलेक्ट्रिकल करंट लेके बल्ब स्टार्ट किया है, जिससे मैं नीचे देख पाऊँगा. सेकेंडली हमने हमारे सारे पाने खोल के रख दिए. थर्ड हमने, क्योंकि मैं नीचे जाने वाला हूँ, तो हम लोग ने चटाई डाल दिया नीचे, जिससे ये नीचे बहुत मट्टी है ना,
वो अपने कपड़े से नहीं लगे। तो सबसे पहले जो पाने हैं अंदर रखे हैं मैंने, वो तीन दिख रहे हैं, ये इतने पाने से सब कुछ खुल जाएगा हमारा। और एक है फिक्स, एक है रिंग, बहुत बड़े बड़े, मैं तुमको सब साइजेस बताता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या लगा है। और हम लोग सबसे पहले क्या करें ना, टाकी उतारने के पहले हम ड्रेन बोल्ट खोलेंगे, जिससे जो भी 8-10 लीटर पेट्रोल गाड़ी में रहेगा उसका वेट नहीं होना चाहिए। तो ड्रेन बोल्ट खोल के हम इसमें ड्रेन करेंगे, इससे ड्रेन करेंगे और फिर हम लोग उसको कैंस में ट्रांसफर कर देंगे, सो दैट पेट्रोल उड़ नहीं जाए हमारा। अभी मैंने ये पहना है बिकॉज पेट्रोल निकालने जा रहा हूँ, आंख आंख में नहीं गिरना चाहिए। अपना मैकेनिकल सूट पहना, ये लेके नीचे उतरता हूँ, तुमको नीचे का हाल बताता हूँ, क्या ड्रेन बोल्ट होता है, कितने साइज का पाना लगेगा और कैसे निकलेगा, ठीक है? तभी अभी नीचे जा रहे हैं। तो मैं गाड़ी के नीचे हूँ, तुम देख सकते हो ये हमारी टाकी है, ये उसका ड्रेन बोल्ट और ये 17 नंबर के रिंग से खुलता है। अभी तुम देखो मैं कैसे खोलूँगा। ओ खुल गया, खुल गया, देखा तुमने, अभी खुलेगा भाई। ये देखो पेट्रोल गिर रहा है। पहले पेट्रोल हिचकिया मार रहा था, तो जो अपना फ्यूल कैप होता है ना, जिधर से पेट्रोल भरते हैं, वो खोल दो तो फुल स्पीड में देखो कैसे गिर रहा है पेट्रोल। ये देखो, ये अपना पेट्रोल अभी इतना इतना भर गया है, मतलब इतना पेट्रोल था, मैं जब टाकी नीचे था निकालता था पूरा गिरता था मेरे ऊपर ही, तो कितना किलो वेट कम हो रहा है अभी। तो पूरा पेट्रोल गिरने देंगे हम लोग और फिर हम लोग इसको निकाल के टाकी खोल देंगे पूरा, मैं तुमको सब सिस्टम दिखाऊंगा। साढ़े तीन ये हाफ, इतना पेट्रोल भर गया है, और भी पेट्रोल था गाड़ी में जो वापस निकलते जा रहा है, दिखाता तुमको मैं, ठीक है? मतलब ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इसको थोड़ा और 2-3 मिनट ड्रिप होने देते, तब तक हम लोग नया कुछ काम करते, बताए क्या, बताता हूँ। ये देखो हमने निकाल दिया सीट, अभी इधर सीट के नीचे फ्लोट होता है ना, फ्लोट अपना जो बताता है पेट्रोल कितना है, उसकी वायरिंग है, तो वो अपने को खोलना है। ये 3 स्क्रू से 1, 2, 3, 2 तो ऑलरेडी खोला है, तीसरा खोल के इसके फ्लोट का वायरिंग खोलना है, जिससे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम टाकी उतारेंगे नहीं तो ये खींच के टूट सकता है अपना। ये डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर टाकी नीचे खोलेंगे हम लोग। ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी ये पूरी टाकी है, ये पूरी टाकी जब हम निकालेंगे, हमने वायरिंग निकाल दी है, देखो ये वायरिंग है, ये वापस से जब हम लोग टाकी वापस लगाएंगे इसको हमको प्लग इन करना है, ठीक है? बराबर, वायरिंग खोल दिया है, अभी हम लोग का पेट्रोल भी निकल गया ऑलमोस्ट। ये सब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? समथिंग एक्साइटिंग, मतलब मस्ती, मस्ती मस्ती, हमारा ऐसे मानना है, अगर हम खुद सीख के हम लोग खुद एक ब्लॉग बना सकते हैं ना, हमारी गाड़ी पे खुद काम कर सकते हैं ना, गाड़ी पे काम करने में जो खुशी होती है वो और किसी चीज में नहीं होती। हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्यूल पंप इसका चेंज करेंगे, हमारी पर्पल होंडा सिटी टाइप 2 VTEC का, और बस ऐसी एक्साइटिंग कॉन्टेंट बनाते रहेंगे हम लोग। तो ये टाकी हो गई अपनी, फिर इधर हम पेट्रोल भरते हैं, इधर पाइप है, ये देखो ये एक पाइप खोलना, दिख रहा है तुमको नोज प्लर से पाइप खोलना, ये जो मोटा वाला पाइप दिख रहा है, ये अपने को खोलना है, उसके बाद टाकी अपनी फ्री हो जाएगी। एक बार टाकी फ्री हो गई, फिर हम लोग को ये वाला जॉइंट खोलना है पट्टी का, वो वाला जॉइंट खोलना है पट्टी का, नीचे पत्थर रखना है और ये टाकी फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है? तो ये इस पर लटका हुआ है पूरा। तो अगर तुम भी अपने टाइप 2 का कर रहे हो, मेक श्योर पाइप से ब्लू फिल्टर, पेट्रोल वाला पाइप, और ये एक है, ये देखो ये जो ये भी ऊपर ही जाते हैं गैस के लिए कुछ, ये तीन पाइप तो तुमको खोलनी है, ठीक है? तो हमेशा एक पत्थर रखना कि हाला नीचे गिरे नहीं पूरा तुम्हारे मुंह पे। आप देखो लग रहा मैकेनिक, अरे यार ये हमारी टाइप 2 का है, इसके अंदर फ्यूल पंप होता है, ठीक है? अपने को ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नट खोल के फ्यूल पंप डालना है बस। ये फ्लोट है जो अंदर रहता है, ये फ्यूल पंप है, और ये सब पेट्रोल का वो पाइप है जिधर अपना पेट्रोल डालते ना, वो ऊपर से बस वो सब। मेरी शक्ल देखो, बाप रे, पूरा जो मैंने बन बांधा था ना पीछे पूरा लूज हो गया है। बट ऑनेस्टली मेरे को बात बताओ, हमने ड्रैगन बनाई पूरी पेंटिंग किया फर्स्ट टाइम, यही स्पॉट में हम लोग ने हमारी दूसरी टाइप का टाकी खोला है फॉर द फर्स्ट टाइम,
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत मेहनत है, कभी सोचा था करेंगे? नहीं रे, काम खत्म ही नहीं हो रहा, दूसरी गाड़ी का आ गया। हाँ, तो नया फ्यूल पंप दिखाता हूँ और कैसे लगाएंगे हम वो दिखाता हूँ। ये हो गया न्यू फ्यूल फिल्टर, ये है हमारा न्यू फ्यूल पंप। ये देखो बॉश लिखा हुआ है और ब्रांड न्यू फ्यूल पंप हो जाएगा ये, हमारी पर्पल होंडा सिटी टाइप 2 वीटेक का। सॉकेट में सॉकेट जाएगा, पाइप में पाइप लगेगा, फिल्टर में फिल्टर लगेगा। बहुत इजी काम है, सिर्फ टाकी उतारना हैवी है, बाकी ये तो तुम भी अपने घर में कर सकते हो। 10 नंबर के रिंग से और फिक्स है ये, तो इससे बहुत जल्दी खुल रहा है। देखो तुमने ऐसे डायरेक्शन मेंटेन करने का, ये जो नोजल है इस पाइप के डायरेक्शन में वैसे ही लगाने का। अच्छा, उससे फर्क पड़ता है? सुना, अगर ये पाइप ऐसा है तो ये पाइप भी इधर ही होना चाहिए, तुम ऐसा नहीं लगाना, जैसा है वैसे ही करो तो तुम्हारी चीज़ें अच्छी सी रहेंगी। अब इसको लगाओ ऐसे, तुमको खोल खोल के, ये देखो ठीक है। ने छः के छः खोल दिए, अब ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ कैसे खुल रहा है देखते हैं। 1 2 3 ओके, ये हमारा फ्यूल पंप नया दिख रहा है पर नहीं चल रहा है ना क्लियरली। कौन सा ब्रांड है? पता नहीं, AB लिखा हुआ है। AB क्या होता है? चालू पंप है क्या? ये कुछ चालू पंप है, पहले वाले ओनर ने डाला होगा शायद। क्लियरली नहीं चल रहा है वो, ये डाल के देखते हैं कि गाड़ी में इम्प्रूवमेंट। ये देखो फिल्टर सब गंदा हो गया है, इसको खोलते हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं ये सब जो है ना। ये उसका गंदा फ्यूल फिल्टर और ये हमारा न्यू ब्रांड न्यू फ्यूल फिल्टर। तो देखो तुम कितना डिफरेंस है उस काले में और नए में। ओम सायराम, सब गॉड ने हेल्प किया है, नहीं तो हम ये सब नहीं कर पाते। तो ये है पूरा उसका फ्यूल पंप का असेंबली। जो पाइप है ये वाला, ये में भी फटा हुआ है, तो ये भी हम पाइप चेंज करेंगे। ये इसका जूना पंप है जिसपे AB लिखा है, तुमको दिख रहा है AB, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है AB, ठीक है। और ये उसका पुराना फ्यूल फिल्टर है, ये हमारा न्यू फ्यूल फिल्टर है और ये हमारा न्यू बॉश का फ्यूल पंप है। तो फ्यूल पंप नया, फिल्टर नया, वो पाइप नया, एंड सब कुछ हम लोग वापस साफ करके लगा देंगे, टाकी वापस चढ़ा के देखेंगे कि हमारी गाड़ी क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। मतलब यहाँ तक तो हमने सब खोल दिया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हमने कर दिया और लेट्स सी, गाड़ी पूरी ठीक हो जाएगी मुझे पता है। नया पाइप लेकर आए, ये देखो एकदम ब्रांड न्यू, ठीक है। तो पेट्रोल लीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये हमारा मेन जो पेट्रोल जहाँ से भरते हैं हम, उधर नीचे पाइप का था, ये ख़राब हो गया, पूरा रस्ट हो गया, तो हम लोग ये भी नया लेके आए। सो गाइस, देख सकते हो तुम लोग, न्यू पाइप डाल दिए, ठीक है, न्यू फ्यूल पंप डाल दिया, न्यू फ्यूल फिल्टर डाल दिया, उसको तार से लॉक कर दिया है। एंड अभी वापस से हम लोग को सेम प्रोसेस जैसे खोला है उल्टा करना है, जैसे इसको लगाना है, फिर नीचे जाना है, जितने पाइप्स खोले उसको वापस से लगा के टाकी ऊपर लेके लॉक करना है, एंड हमारा काम हो जाएगा। हमने फ्यूल पंप का टेस्टिंग किया कैसे, वो जो कपलर दिख रहा है अंदर, कपलर को कनेक्शन देके चाबी ऑन किया, आवाज़ आया, मतलब पंप चल रहा है, ज़्यादा चलाने का नहीं सूखा इसको, अभी हम वापस लगा के पैक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पाइप था वैसे ही कर रहा है, देखो पंप गया, फिल्टर के सब गया, अभी लॉक कर रहे सबको वापस से, ठीक है। तो अभी जो प्रोसेस से हमने निकाला था वही प्रोसेस से हमको टाकी फिर से, ये जो बेल्ट दिख रहे हैं ये बेल्ट पे चढ़ा के ऊपर लॉक करना है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वही है, बस अभी करना है हमको जैसे निकाला है, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो हम लोग ने जैक टाकी लगा दी, ये देखो पूरी टाकी लगाई है, बोल्ट लग गए 20 वाला भी, 14 वाला भी, ड्रेन बोल्ट भी लॉक कर दिया है, टाकी ऊपर चढ़ गई, अभी सिर्फ वो पाइपिंग्स लगानी है और फिर हमारा फ्यूल पंप लग गया। अभी फ़िलहाल हमने काम कंप्लीट किया, हमने 3 बजे स्टार्ट किया, अभी रात के 11 बज रहे हैं। अगर मैं तो सच्ची बोलता आई वॉन्ट रिकमेंड यू ऑल टू डू दिस, हम दोनों ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था पेन में मर जाएंगे। तो मेरी शक्ल देखो, पूरा पता नहीं, हाथ देखो, ये दिखाओ, ये मेरे हाथ ऐसे कुछ दिख रहे हैं, मेरे कपड़े ऐसे कुछ दिख रहे हैं, मेरी शक्ल टर्न कर, टर्न कर, दिखाओ पेट, हाँ दिख रहा है, ये सब देखो,
ये सब क्या है ये देखो। तो मैं सबसे पहले घर जाके मुंह वो धोता हूँ, खाना खाता हूँ और वापस आके तुमको दिखाता हूँ कि हमने जो काम किया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, गाड़ी बाहर निकालेंगे हम लोग। फाइनली दिस इज़ द डे टू और कल रात को हमने रैप अप किया पूरा काम, बहुत थक गए थे। 10:30 बजे हम लोग कुछ यहाँ से निकले घर पे खाना खाने को, इतना बॉडी पेन, इतना हिप्स में पेन, इतना पैर में पेन, गला शोल्डर, बिकॉज हम लोग पूरे लेट के 20 किलो की टाकी जिसमें थोड़ा पेट्रोल था भी वो पूरा उठा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे हमने बट कर दिया, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट थोड़ा लगा बिकॉज हमारे पास हाइड्रोलिक जैक नहीं थी, बट फिर भी हमने पूरा काम कंप्लीट किया गॉड का नाम ले लेके। बट मैं घर जाके नहा के सो गया। फिर ये सेकेंड डे है, अभी हम लोग पूरा पेट्रोल वेट्रोल डालेंगे कार में और तुम लोग क्लिप्स देखो अभी कैसे होएगा। जो सीट सब ओपन पड़ी है देखो कैसे पड़ी है, ये सब हम लोग पूरा रैप अप करते क्लीन करते। पेट्रोल डाला हमने, तुम देखो कुछ लीक वीक नहीं है फ्लोर पे, मतलब जो काम किया है परफेक्ट किया है। तुम लोग भी हमेशा ऐसा काम चेक कर लेने का, ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमने काम किया है तो चेक करना है, अगर तुम्हारा मैकेनिक ने भी काम किया है तो उसको क्या है, वो तो लगा के दे देगा। गाड़ी तुम्हारी, सेफ्टी तुम्हारी, ऑलवेज मैं तो बोलता हूँ, मैं तो करता ही हूँ, अपनी गाड़ी कभी भी अगर कोई काम के लिए दिया है ना, हमेशा एक बार जाके चेक कर लेने का कि हर चीज़ टाइट है, बराबर है, ये सब है कि नहीं, ठीक है बराबर। क्यों, इमेजिन अगर पेट्रोल लीक हो रहा है और अगर किसी ने सिगरेट फेंका है फिर क्या होगा, क्या समझे? तो उतना सेफ्टी का ध्यान रखो। और अभी गाड़ी को बाहर निकालते और टेस्ट करके आते कि न्यू फ्यूल पंप से गाड़ी कैसे चल रही है। अभी फर्स्ट सेल्फ मार के देखते कैसा है। जब मैं गाड़ी ऑन करता तो हमिंग आवाज आता ना पंप का, वो सुना सुना, मतलब पंप इज वर्किंग। ओके कुछ काम है, जैसे फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहे, बहुत टाइम बाद हम लोग इसको चारों टायर में हवा भरेंगे और फिर एक टेस्ट ड्राइव पे जाके आएंगे। हाँ हाँ ये यूट्यूब चैनल है मेरा। अच्छा है, थैंक यू। फिलहाल हवा भरा रहे, पब्लिक रिएक्शन आते ही है इसको जब निकालता हूँ। कम था क्या हवा? तो वही प्रेप कर रहे कार को पूरा और फिर एक अच्छा हाईवे पे राउंड मार के आएंगे। क्या मस्त लग रही है एकदम। अभी फिलहाल 75-80 पे थी गाड़ी। क्या मतलब गाड़ी जो पहले जैसे चलती थी ना वैसे बिल्कुल नहीं है, एकदम स्मूथ, एकदम फ्रेश, एकदम भाग रही है। सनरूफ भी है हमारी कार में तो मस्त गाड़ी है एकदम। देखो ना सनरूफ वनरूफ सब कुछ है इसमें, फुल ड्राइव करके। हाय हाय, सक्सेसफुल हो गया एकदम। मतलब सोचो आज हम लोग ने ये DIY फ्यूल पंप भी चेंज कर दिया, बाप रे। और यूजुअली पंप गर्म होने के बाद हमारा पहले वाला मिसिंग करता था, हमने अभी उसको इतना गर्म किया, इतना भगाया, अराउंड 10 किलोमीटर चला लिया और द कार पास्ट द टेस्ट। मस्त ना, पर थम्स अप दो ये। क्या बढ़िया लग रही है यार। अभी एक नंबर भाग रही है, स्क्रीच विच मार रही है एकदम। Thank you.
एक पॉप आया था ऐसा पट करके रिकॉर्ड हुआ है। हाँ रिकॉर्ड हुआ मस्त। मतलब कैसा लग रहा है गाड़ी चला के, मतलब इतना टाइम बाद सच्ची है ना, मस्ती के लिए परफेक्ट गाड़ी है। फुल मतलब फुल गैंगस्टर प्रोजेक्ट कर रही है। लाइक लिटरली कांट बिलीव कि जो चीज हमने आज तक कभी किया नहीं था लाइफ में, विच वॉज अ फ्यूल पंप चेंज, वो हमने फर्स्ट टाइम किया एंड फर्स्ट टाइम में हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। भाई बहुत बड़ी बात है 20-20 किलो का टाकी उतारना, करना, लगाना विदाउट एक्सपीरियंस। कोई भी काम दिल से करो और अच्छे मन से करो, हाँ बस सक्सेस होना ही होना है। वी आर बैक होम फ्रॉम एन अमेजिंग टेस्ट ड्राइव। बहुत मजा आया, मैं बहुत इसके फोटो वीडियोस लिए, मतलब एकदम, मतलब मैं बोलता हूँ एक साल बाद मैंने इसको ऐसे प्रॉपर बाहर निकाला है, प्रॉपर इसका वीडियो लिया है, इसका प्रॉपर ऐसे मतलब एक व्लॉग बनाया है। बहुत मज़ा आया। आपका कैसा लगा? बहुत मज़ा। और भाई मैं सच्ची बोलता हूँ बहुत मेहनत गई थी इस फ्यूल पम्प में। तुम लोग तो 10 मिनट का एक व्लॉग देखोगे, बट हमको लिटरली 3 बजे हमने स्टार्ट किया, 10:30 बजे ख़त्म किया, तो कितने घंटे होते उतने लगे हमको। एंड हाँ पूरा हाथ वाथ शोल्डर मसल बहुत दुख रहा है। एंड अ बिग थम्स अप टू माय डैड, क्योंकि बिना डैड के तो मैं कर ही नहीं पाता। थैंक यू। नो सेइंग थैंक्स। डैड ने बहुत हेल्प किया कसम से। मतलब सोचो ना, मैं अपने डैड को गाड़ी के नीचे, मैं और मेरे डैड ऐसे उसको टाकी को उठा रहे थे। बहुत हेल्प किया पापा ने। और बस इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो तो, कमेंट कर दो अगर कुछ डाउट है या वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ऐसे बहुत अमेजिंग DIY वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ यूट्यूब पे। तो लॉस पोलोस व्हील्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसका फ्यूल पम्प चेंज करना है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय। अकेले मत करना, हाँ कोई तो साथ में रखना, हालत खराब हो जाएगी। तुम लोग को एकदम मस्त चीज दिखाऊं, ये देखो हमारे दोनों बेबीज एक साथ खड़ा किया मैंने। कैसे लग रही है देखो, लॉस पोलोस व्हील्स। एंड वो तो मैंने अभी रिसेंटली पूरी हाथ से बनाई है खुद। ये इसको भी बनाना चाहिए क्या, कमेंट से बताओ। ये मेरी ड्रैगन है और इसका नाम म्यूगल लिखा हुआ है फिलहाल। और जिसको नहीं मालूम, हमारी दोनों वीटेक है। जैसे ये देखो, ये भी अपनी ड्रैगन का वीटेक है इंजन, और ये अपनी पर्पल वाली का वीटेक इंजन है। तो अगर तुम लोग को हमारी दोनों वीटेक पे अगर एक रिव्यू वीडियो चाहिए दोनों वीटेक का, तो मुझे कमेंट से बताओ। और फॉलो माय इंस्टाग्राम टू, जिसका आईडी वही है, लॉस पोलोस व्हील्स, ठीक है। चलो बाय बाय।